आज के कार्यक्रम में हमने ईश भक्ति, देशभक्ति, योग साधना, बसंत के रंगों की निराली छटा का आनंद लिया। पर एक रंग और होता है निष्काम सेवा का, जिसकी जीवंत मूर्ति है भारतीय योग संस्थान का प्रत्येक कार्यकर्ता और अधिकारी। और सबसे बड़े साकार रूप तो आप हैं जो हमारे सामने बैठे हैं, हमारे केंद्र प्रमुख, जिन्हें संस्थान अपनी रीढ़ की हड्डी मानता है। ऐसे ही निष्काम सेवा के रंग में रंगा है भारतीय योग संस्थान का साहित्य, जिसका एक ही उद्देश्य है मानव मात्र का कल्याण। इसी श्रृंखला में भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान श्री देशराज जी ने पुस्तक रूपी एक नए ज्ञान रत्न को अपनी लेखनी से आकार दिया है, जिसका शीर्षक है मधुमेह रोग और योग। कुल 86 पृष्ठों की इस पुस्तक के कलेवर में मधुमेह संबंधी हर आयाम का यथासंभव समावेश कर जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। पुस्तक में कुल 19 अध्याय हैं और भाषा इतनी सरल और सहज, मानो कोई शांत शीतल नदियां निर्बाध रूप से प्रवाहमान हो रही हो। अतएव मधुमेह के रोगियों के लिए यह पुस्तक एक ऐसी आचार संहिता है जो समाज को मधुमेह रोग से मुक्ति दिलाने का समर्थ साधन सिद्ध होगी। आपने सुना है इलाज से परहेज बेहतर, किंतु यह पुस्तक पढ़कर आपको ज्ञात होगा कि अज्ञान से ज्ञान बेहतर। हीरे, मोती, रत्न, आभूषण हमें स्वास्थ्य नहीं प्रदान कर सकते, पर यह पुस्तक रत्न आपके जीवन को अपनी ज्ञान आभा से अवश्य आलोकित कर देगा। अब मैं केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया मंच पर आएँ और मधुमेह रोग और योग पुस्तक का विमोचन करें। योगेश जी और किशोर जी जहाँ पर भी हो कृपया मंच पर आ जाएं। योगेश जी और किशोर जी, नई पुस्तक आई है आपके ज्ञानवर्धन के लिए, तो तालियां जोर से और बजती रहनी चाहिए। बहुत मुबारक देशराज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पुस्तक के लिए, और आज सभी ये पुस्तक लेकर जाएंगे। आई होप कि पुस्तक स्टॉल्स पर अवेलेबल है। इनका हर एक पुस्तक इतनी मेहनत के साथ लिखी होती है, हम सब जानते हैं।